वेस्ट टू वंडर पार्क। अब इसके अंदर से हम एंट्री करते हैं। तो गाइस हमारे इंडिया का एल्फी टावर, ये देख लो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कमेंट करके बता देना कहाँ पर है। जाना है ना संडे को छोड़ के, कोई सी भी डे में चल लो। गाइस वेलकम बैक योर चैनल। तो हम पहुंच चुके हैं वेस्ट टू वंडर पार्क में, और अभी हमने बाइक लगाई है। बाइक तो भाई कितने की बता दो, कितने की थी भाई? ये है 40 रुपए के 3 घंटे। हाँ, बाइक का पार्क और जो जो इस, जो टिकट है ना इसका, हाँ, वो टिकट है 100 रुपए टिकट है भाई इसमें। और एंट्री का अंदर का एंट्री भाई वही तो टिकट है ना, 100 रुपए टिकट बोल रहा मैं, उसकी तो 30 रुपए है। 30 रुपए एक घंटे की, एक घंटे का 30 रुपए, 2 घंटे 40 रुपए भाई साहब बहुत। देख लो भाई, अगर कमेंट करके पूछ सकते हो आप, और डीएम में पूछ लेना इंस्टाग्राम में, फॉलो करें चर्चा हिप हॉप के नाम से। तो गाइस अब चलते हैं, तो भाई शुरू करें अपना व्लॉगिंग, अब भाई शुरू करेंगे अपना। तो गाइस यहाँ ऊँट की सवारी भी होती है, हो सके तो आप भी करें जब भी आप आए। और सामने ये रहा वेस्ट टू वंडर पार्क, अब इसके अंदर से हम एंट्री करते हैं। फिलहाल गाइस अभी डायरेक्ट टिकट, पहले तो टिकट लेनी पड़ेगी 100 टिकट है। तो फाइनली गाइस टिकट ले ली है मैंने, मेरी टिकट पीछे है घर, टिकट घर। चलो हमें एंट्री करते हैं। तो सामने गार्ड है, तो गार्ड फाड़ के देगा टिकट। फाइनली गाइस हमने एंट्री कर ली अंदर से, अब चलते हैं यहाँ से सीधा बिल्कुल अंदर अंदर, और आपको मैं दिखाऊंगा, तो आप देखना और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल मेरा, जो न्यू व्यूअर देख रहे हैं मेरे। और टिकट मेरे हाथ में, फाड़ के दे दी गार्ड ने। यहाँ खड़ा है स्टैचू, यह जय हिंद। और यहाँ से जाएंगे धीरे धीरे करके, चलो। तो गाइस यहाँ पे फुहारा है लेकिन पानी नहीं है इसमें, क्या करें, यहाँ से लगता साफ सफाई हुई है। चलते हैं आगे, इसमें लिखा है एम सी डी किस में आता है ये? हाँ, बांस की लकड़ियों का बना रखा सीधा छोटा सा, और काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ भीड़ लगी हुई है बहुत ही ज्यादा। गाइस मैं एक बात बोलूँ, संडे वाले दिन मत आना, अगर बीच में सैटरडे या तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बीच में जब आना तो आना ना, उसमें 50 की टिकट लगती है, संडे मत आना मत। तो गाइस यह है पीसा का झुका हुआ मीनार, देख लो आप, और इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हो आप, वीडियो स्किप कर लेना आराम से पढ़ लेना। तो गाइस हमने ये तो देख लिया, जैसे कि आपने भी देख लिया, और अभी दोबारा से देख लो हो सके तो। हाँ जाते थोड़ा आगे, चलो चलो विकास भाई, काफ़ी फैमिली आई हुई है यहाँ पे, कपल्स तो कपल का छोड़ो यार, मैं कपल्स से बोलता रहता हूँ, फैमिली सबसे ज़्यादा फैमिली आई है। तो गाइस हमारे इंडिया का एल्फी टावर, ये देख लो। तो विकास भाई वहाँ वीडियो बना रहे हैं, और उसके बारे में यही लिखा हुआ था, लेकिन कुछ मिट विट गया कुछ ज़्यादा ही, और यहाँ तो इंग्लिश में लिखा, हिंदी में दिखाता हूँ। यहाँ तो कुछ नहीं है, सारा भाई काफी टाइम का मीठा पड़ा है पूरा, फायदा नहीं है, हो सके तो इसके बारे में पढ़ लेना गूगल में, सर्च कर। गाइस आपने कुछ शॉर्ट देख लेंगे बता देना कमेंट करके कैसे लगे, थोड़ा बहुत बना लिए मैंने जैसे मर्जी करके, ठीक ठाक बना लेता हूँ इसी में अपनी तरफ से मैं। तो बाय द वे गाइस आपने जैसे कि देख लिया, तो अब चलते हैं धीरे धीरे अब अपना आगे। और भी देखो इसको मैंने देखा है लेकिन फॉरेन कंट्री में देखा, वो भी टीवी में, और उसका नाम पढ़ते पहले तो इसके बारे में लिखा पोलो जिम, ये उसके बारे में लिखा है, तो स्किप पहले आराम से पढ़ लो ये रहा। तो गाइस ये है पोलो जिम, जैसे कि बता दी मैंने आपको, यहाँ से ऐसा है पूरा, ये इतना ही है, यहाँ से पूरा गोल गोल घूमना है ऐसे, हम गोल घूम के आ चुके हैं और फिर यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से सीधा बाहर जाएंगे, बाहर की ओर नहीं मतलब घर आउटसाइड नहीं, थोड़ा भी आगे को भी है। तो गाइस ताजमहल ये रहा सामने हमारे, फुल पूरे लोहे का बना पड़ा है। अंदर जाना अलाउड नहीं था, अभी सीढ़ी भी जा दी भाई ने पुर 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 पुर। तो गाइस यहाँ पे दिल जोड़ते हुए सीधा भाई का दिल जुड़ रहा है, महंगा वाला हम भी कह रहे ऐसे
मस्त है ना। तो गाइस कमेंट कर देना कैसा लगा, थोड़ी मस्ती करनी चाहिए कई बार, बोल तो जो रही थी मस्ती करनी चाहिए, दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, इंजॉय करो इंजॉय। हाँ तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं ब्राजील, ये देखो हाथ हम चौड़े में नाम पढ़ लेंगे आ जाते। तो गाइस रियो रिडीमर ये लिखा हुआ, इसके बारे में पढ़ सकता आराम से, और सामने हमारा रियो रिडीमर। जितने भी अभी आपने स्टैचू देखे हैं पूरे लोहे का बना पड़ा है, देख लो अभी खुद हैरान हो गया इसने बनाया, गुड बहुत एकदम एक नंबर, यहाँ पूरा पेड़ गिरा पीछे। तो गाइस स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये रहा, पढ़ लो आराम से ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कमेंट करके बता देना कहाँ पर है, कौन से देश में, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। तो भाई को ना अभी मंदिर मिले गए थे और जान रहे भाई को धीरे धीरे है फेमस कते ही फेमस हो रहे भाई, ये मतलब की ऐसे मेरे भी टाइम आएगा भाई सेल्फी लेंगे, चिंता मत करो होगा जरूर, क्यों नहीं, नहीं मेरे भाई के साथ भी लेंगे, भाई के साथ मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्या दोनों भाई अभी करते रहते काम वाम अभी थोड़ा, अभी इसके बाद अभी लास्ट ब्लॉग हमारा, अभी इसके बाद हो जाता हूँ हमको, अभी टाइम लगेगा और कहीं जाने में, अब इसके बाद हमारा है आगरा का प्लान, आगरा चलेंगे ना, देखते अभी कुछ हमारा फाइनल नहीं हुआ, अभी अभी सोचा डिसाइड किया अभी हमने पक्का होता हम भाई जाएंगे, और तीसरा हमारा शायद जो हो सके तो शैलेश भाई भी जाएंगे हमारे साथ में, तो बाकी देखते हैं, जैसे कि आपने अब देख लिया तो अब चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। चलो तो गाइस यहाँ पे है कैंटीन, फिलहाल गाइस हम थोड़ा बैठ गए पेड़ के नीचे, यहाँ पे बोला कि आपको हमने पूरा दिखाई दिया, जब पूरी लाइट ही लाइट आ रही ना तब देखेंगे, उसी मेरी बहन ने मुझे बोला था कि तू रात के टाइम जाइयो, तो वैसे हम इसी थोड़े हमारे 5 बजे निकल गए, 8 बजे तक भाई को कहीं जाना भी है, अपनी मम्मी के साथ कहाँ जाओगे, सीमा पूरी जाएंगे भाई, तो बस एक बार थोड़ा अंधेरा होने, तो अभी लोग आए जा रहे कम से कम 11 बजे बंद होता है, संडे को तो आना मत मैं बताऊँ, मैं सैटरडे को आना या तो वेनसडे मंडे ट्यूसडे को आना बीच में तब बेस्ट रहेगा, अब हमें पता नहीं था, कभी भी आ जाओ संडे को मत आना क्योंकि फिर टिकट लगेगी आपकी 100 रुपये और भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बोल रहा हूँ मैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से उनको बोल रहा हूँ मैं बस, और बाकी आपकी मर्जी है। अभी हम आ चुके हैं, अभी रात हो चुकी है तो हम दिखाते हैं, अब लाइट जल चुकी है इसमें देखो मस्त लग रहा है ना, हम आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देंगे क्योंकि वीडियो देगी लंबी मेरी, इसलिए चलो अब दिखाऊंगा आपको बैक कैमरे से, पूरा दिखाऊंगा बोलूंगा कम नहीं। इसे जिराफ है तो कितना मस्त लग रहा है, काफी बच्चे खैर बच्चे मस्ती कर रहे हैं वहाँ पे और हम तो नहीं कर सकते, और यहाँ पे लाइटिंग लाइटिंग हो रही है पेड़ों के पास, और यहाँ भी
निकल गए थे भी अंदर से घूम के आगे, काफी मजा आया जैसे कि आपने देख लिया है। हमने थोड़ा थोड़ा शॉट लिया क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है, इसे हमने करानी ना बीच में हमने बोला जैसे मैंने बता दिया आपको मैंने। और बस अब निकलते हैं यहाँ से आउटसाइड। अब देखा लोग आए जा रहे हैं, बहुत मन कर रहा है यहीं रुक जाऊँ, अगर कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना फ्रेंड के साथ आऊँगा। तो बस चलते हैं अब आगे और सीधा घर के, और यहाँ से पहले बाइक लेंगे अपनी, बाइक लेके सीधा घर। और भीड़ देखो कितनी भीड़ हो रखी है, ओह भाई आज संडे ना इसलिए भी, और सामने हमारे ऊँट की सवारी। तो गाइस हम 2 घंटे मार गए थे, 40 रुपये लगे हमारे, अभी हमने 40 रुपये दे दिए। और हमारी भाई की बाइक केरी, हमारी बोल रहा मेरी नहीं, हमारी भाई की बाइक केरी, और तो भाई को भी जल्दी जाना है, सीमापुरी जाना है, तो उनके घर से कॉल भी आ रहा है। तो हो सकता है कि हम 9 बजे यहाँ से निकलते, तो अब को कहीं जाना है इसलिए तब सीधा घर पर मिलता हूँ। चलो तो फिलहाल गाइस मैं घर पर आ गया हूँ, बता देना कमेंट करके कैसा लगा वेस्ट टू वंडर, और कुछ पूछना हो पूछ लेना, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो करें त्रिजादी पॉप के नाम से, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर देना जिसको घूमना मतलब कि जिसको यहाँ पे जाना है, तो कर देना कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जाना है ना संडे को छोड़ के कोई से भी डे में चल लो, वहाँ आपकी 50 की टिकट लगेगी। अब मुझे पता, हमें पता नहीं था मतलब कि संडे को लगती है 100 रुपये लगती है टिकट, तो हमारा थोड़ा वो मूड में यहाँ 100 रुपये लगती है, मतलब कितना था हमें, हमारा बजट नहीं था। तो कैंटीन जैसे आपने देख लिया कैंटीन के, वहाँ पे मतलब कि अब खाने पीने को या कुछ खाना होगा आपको, वहाँ के भी मतलब कि रेट हाई फाइव होंगे, जैसे मैंने आपको बताते पहले मतलब कि। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप को मेरी वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड फैमिली शेयर करें, मिलता है इसी के नेक्स्ट वीडियो में। और बस थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू जो न्यू सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको भी, जिन्हें सब्सक्राइब चैनल में रखा, थैंक यू दिल से, थैंक यू बाय।